दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी जो आपको बताएगी कि वास्तव में बुद्धिमान कौन हैं और कैसे बने। बुद्धिमान कैसे बने, यह एक रोचक और महत्वपूर्ण सवाल है जो हर किसी के मन में उठता है। यहाँ हम इस विषय पर गहराई से विचार करेंगे। बुद्धिमान बनने का मार्ग ज्ञान, अनुभव और समय के साथ मिलता है, और हम इस रोमांचक यात्रा में आपको उन सरल और प्रभावी तरीकों के बारे में बताएंगे जो आपको बुद्धिमान बनने में मदद कर सकते हैं। एक नगर में एक लड़का रहता था और उसका दिमाग तेज था, और उसकी खासियत यह थी कि वह किसी भी चीज को बड़ी जल्दी और आसानी से सीख लेता था। जहां अन्य लोगों को किसी काम को सीखने में महीने या वर्ष लगते थे, वहीं पर इस लड़के को उसी काम को सीखने में कुछ दिन ही लगते थे। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी और कहा जाने लगा था कि उस व्यक्ति के जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। परंतु वह व्यक्ति तो जानता था कि वह भीतर से क्या है। हर व्यक्ति जानता है कि वह भीतर से क्या है, चाहे वह बाहर से कुछ भी। वह व्यक्ति भीतर से तो परेशान था, परंतु वह अपने अहंकार से अपनी परेशानियों को ढकना चाहता था। दोस्तों, ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। वह व्यक्ति अपनी प्रसिद्धि को और बढ़ाने के लिए तरह तरह के काम सीख रहा था। वह चित्रकारी करना जानता था, वह मूर्ति बना सकता था और वह गीत गा सकता था, और वह दुनिया जहान का हर वह काम सीख चुका था जो उसने अब तक देखे हुए थे। इसलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार था, क्योंकि कोई भी साधारण आदमी एक काम कर सकता है या दो काम कर सकता है या ज्यादा से ज्यादा तीन काम को कर सकता है, परंतु वह तो सैकड़ों काम को कर सकता था और बहुत अच्छे से कर सकता था। इसलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार था। वह इस बात को अंदर ही अंदर मान चुका था कि उसके जितना बुद्धिमान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर एक दिन उसका सामना गौतम बुद्ध से होता है। उसे पहली बार एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जिससे उसे ईर्ष्या होती है। अब तक उसने ऐसे लोग देखे हुए थे जो उससे ईर्ष्या करते थे, और जहां ईर्ष्या होती है वहां तुलना का होना निश्चित है। वह व्यक्ति अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करना शुरू कर देता है। वह देखता है कि बुद्ध के पास तो एक भिक्षा का कटोरा है, लेकिन उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। बुद्ध के वस्त्र तो साधारण से थे, परंतु उसके वस्त्र बहुत कीमती हैं। बुद्ध तो जमीन पर नंगे पैर चलते हैं, परंतु वह नंगे पैर नहीं चलता। इसी तरह से वह आदमी सैकड़ों चीजों से अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करने लगता है, परंतु हर तुलना के बाद भी वह पाता है कि उसकी ईर्ष्या बुद्ध के प्रति 1% भी कम नहीं होती है। वह व्यक्ति मन ही मन सोचता है कि मैं इस बीच से अपनी तुलना क्यों कर रहा हूं, जबकि मेरा जीवन 100 गुना बेहतर है। लोग भी बुद्ध का सम्मान कर रहे हैं। आखिर इसके भीतर ऐसा क्या है जो मुझमें नहीं है और जिसके कारण मेरे भीतर इसके प्रति ईर्ष्या है? बहुत देर अपने मन में उलझे रहने के बाद वह व्यक्ति तय करता है कि वह बुद्ध के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि उनकी उपलब्धि क्या है। वह व्यक्ति अपने सेवकों के साथ बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं इस इलाके का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं, और आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं, मैं वह सब काम करना जानता हूं। किसी भी कार्य को सीखने में मुझे बहुत ही कम समय लगता है। सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं, परंतु इस सब के बाद भी मेरे भीतर आपके लिए ईर्ष्या है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपकी उपलब्धि क्या है। ये सब लोग आपका आदर सम्मान क्यों कर रहे हैं? इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि वैसे तो मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, परंतु तुम कह सकते हो कि मेरी एक उपलब्धि है। वह व्यक्ति पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूं? तो फिर बुद्ध कहते हैं कि मेरी एक उपलब्धि है कि मैं सभी उपलब्धियों को छोड़ चुका हूं। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मतलब मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है? वह व्यक्ति कहता है कि प्रशंसा तो सभी को अच्छी लगती है। उसके बाद बुद्ध व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है? वह व्यक्ति कहता है कि भला इस दुनिया में कौन है जिसे अपनी निंदा अच्छी लगी है? इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो तुम्हें बुरा लगता है, मैं इन दोनों से भी ऊपर उठ चुका हूं। न मुझे निंदा सताती है और न ही मुझे प्रशंसा प्रसन्न कर सकती है। बस यही अंतर है तुम में और मुझ में। और उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि परंतु यह कैसे संभव? बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुमने सैकड़ों काम सीखे, लेकिन एक सबसे जरूरी काम को तुम सीखना भूल गए। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कौन सा काम बुद्ध? बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को नियंत्रण करना क्या तुम्हें आता है? बुद्ध की बात सुन वह व्यक्ति समझ जाता है कि ईर्ष्या का यही कारण था। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने सारे जगत को जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीता, उसने कुछ भी नहीं जीता, और जिसने अपने मन को जीता परंतु अपना सब कुछ गंवा दिया, फिर भी उसने सब कुछ जीत लिया, क्योंकि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है।
जो अपने मन का शासक है, वह नहीं जो अपने मन का गुलाम है। गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर उस व्यक्ति का अहंकार टूट जाता है और वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि क्या आप मुझे अपने मन को जीतना सिखा सकते हैं? बुद्ध कहते हैं कि अवश्य सिखाएंगे, परंतु मैं तुम्हारी सभी उपलब्धियां छीन लूंगा। फिर उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं इसके लिए तैयार हूं। उस दिन से वह व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर देता है, क्योंकि ध्यान ही वह तरीका है जिससे आप अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। अपने मन को अपने वश में इस तरीके से कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ज्ञानी वही है जो सच्चे मित्र को कभी नहीं छोड़ता। एक समझदार व्यक्ति वह है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है और उनसे सीखता है, न कि दूसरों से तुलना या ईर्ष्या करता है। मूर्ख व्यक्ति अपने क्रोध को जोर से प्रकट करता है, लेकिन बुद्धिमान शांति से उसे वश में करता है। एक मूर्ख व्यक्ति खुद को ज्ञानी समझता है। बुद्धिमान वह है जो वर्तमान को ठीक प्रकार से समझे और परिस्थितियों के अनुसार आचरण करे। अपने अतीत को याद रखकर हम बुद्धिमान नहीं हो जाते, बल्कि अपने भविष्य की जिम्मेदारियों को समझकर हम बुद्धिमान होते हैं। जो व्यक्ति विवेक के नियम को तो सीख लेता है, पर उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारता, वह ठीक उसी किसान की तरह है जिसने अपने खेत में मेहनत तो की पर बीज बोए ही नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।